10 किलो बोलेगा तो कितने सारे लोगों को मैं डोनेट कर पाऊँगा। मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूट से उन लोगों का लाइफ में अच्छा दिन आएगा गाइस। अगर मैं इधर के पैसे उधर कंपेयर करूँगा मेरे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर किसी बीमार आदमी को इधर का मैं 50 एकड़ करके भी दूंगा ना गाइस तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में गाइस। सो हेलो गाइस, ये चेक करें नज़ारा। ये है आप लोग को मालूम है जैसे कि मेडिटेरियन सी, और आज का वेदर चेक करो। और आज भी शायद इवनिंग को बारिश होगा। और ये नॉर्थ साइड नॉर्थ इज़राइल की ओर मस्त है बुलाए। और आवाज़ का ड्रोन बहुत ज़्यादा आ रहा है आज, ड्रोन का आवाज़ इज़राइली ड्रोन। और ये तरफ भी देखो, यहाँ पे रूबेन को रखा है मैंने। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, जय श्री राम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार 24 ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ फिर से आप लोग सभी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच आप लोग का प्यारा सपोर्ट के लिए। तो ऐसे प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने मेरा आज का थंबनेल देख लिया होगा और वो इधर कुछ इस तरीके का है। कल और परसों दो दिन इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना गाइस, इज़राइल में इतना ज़्यादा बारिश हुआ। तो आज शायद आज फिर इवनिंग को बारिश होगा। आज सुबह से बहुत ही अच्छा धूप खिला है, ये चेक करो कितना बढ़िया, जूम करके दिखाता हूँ। वाह, और इधर देखो ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना। वाह, ये चेक करो गाइस, वाओ, ऐसा लग रहा है तो एवलेंस आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिमपात, एवलेंस ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सॉरी बोलने को भी नहीं आ रहा है गाइस। तो वैसा ही दिख रहा है। तो आज आसमान में दो तो ड्रोन उड़ रहा है इज़राइल का और आवाज़ बराबर आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ, और जो कि हमारा सबसे बेस्ट है नेले खोरशानी। तो बहुत सारे मेरा दोस्त लोग ने मांगा है। तो ये फ्राइडे को मैं बहुत अरसे के बाद छुट्टी जा रहा हूँ जेरूसलम, और जेरूसलम के बारे में आप लोगों को मैं जितना हो सके भरपूर वो जानकारी देने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून गाइस, जेरूसलम आप लोगों को मालूम है कैपिटल ऑफ इज़राइल, और मैं जहाँ तक जाने के प्लान कर रहा हूँ बेथलेम, आप लोगों को मालूम है जहाँ पर जीसस का बर्थ हुआ था, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बने रहे, मजे करेंगे, इन्जॉय करेंगे, और आज का व्लॉग शुरू से अंत तक देखें। आप लोगों को बता चुका हूँ केयर गिवर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों ये चेक करे मैंने अपने घर के गार्डन में किस तरीके से राय साग को रेडी किया हुआ है। गमला में भी रोप सकते हैं हम लोग, गमला में, हम लोग तो गमला बोलते हैं, गमला। कल और परसों दो दिन लगातार बारिश की वजह से मेरा राय साग का हालत, और ये डले खुर्सानी चेक करो गाइस। तो दोस्तों सबसे पहले परसों में फ्राइडे को छुट्टी आ रहा हूँ आप लोगों को मालूम है, तो मिलते हैं परसों के दिन। और अभी मैं डले खुर्सानी पिकिंग करने वाला हूँ। देखिए बारिश की वजह से पूरा जो इसका भूस है क्या हाल हो गया, उधर भी चेक करो और वो इधर चेक करो गाइस फिर से। तो
मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी जल्द जल्द से जल्द दिल्ली को पिकिंग करना पड़ेगा उधर भी है, क्योंकि अभी ना फिर से बारिश होगा गाइस। तो पहले मैं फटाफट दिल्ली यहाँ से पिक करता हूँ, आप लोग देखते रहना गाइस। आप लोगों को मालूम है अभी बारिश होगा फिर प्रॉब्लम होगा तोड़ने में, तो पहले ये काम मैं ख़त्म कर लेता हूँ। फिर कल और परसों के दिन तो मेरे को जाने का है, क्योंकि आज और कल के दिन है। और इतना ज़्यादा मात्रा में इसको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है गाइस। देखो कितने सारे डल है साथी भाइयों, पर्सी भेटूंगा। तो गाइस ये पिकिंग करने में बहुत टाइम लगता है, देखो चलिए अभी इसका पिकल बनने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। हाय ये देखो, वाव वाव अभी लगता है मुझे दो दिन लगेगा, आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी इतने सारे। कम से कम दो दिन तो लगेगा, दो दिन मतलब मैं कंटिन्यू नहीं पिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काम भी है। आप लोग सुन रहे हो बैकग्राउंड में हलान हलान करके मेरे को आवाज दे रहा है रुबेन। इतना हो गया। तो दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, मालूम नहीं ये बात मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बात बता ही देना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मालूम नहीं GLS करते हैं या क्या है, वो सब चीज़ तो मालूम नहीं, फिर भी ना ये सब चीज़ उगाने में ना वक्त लगता है, अपना मेरा मेहनत लगता है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतना काम करता है पैसे कमाता है इतना, ये हम लोग लोकल लैंग्वेज इसको डल्ले खोरसानी बोलते हैं, डल्ले खोरसानी तू सेल करता है इतना पैसा क्या करता है, सब लोग यही पूछता है। मगर ये डल्ले खोरसानी जो भी आज मैं डल्ले खोरसानी की जो ये बूथ से निकल रहा हूँ ना, इसके लिए बहुत मैंने अपना टाइम दिया है, बहुत टाइम लगा, मेहनत दिया है मैंने, मेरे को सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, मैं अपना ड्यूटी करके भी ये सब कर रहा हूँ। और जहाँ तक पैसे की बात है गाइस, वैसे तो मालूम नहीं मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए या फिर नहीं शेयर करना चाहिए, हर महीने अगर मैं देखूँ तो हर महीने इसराइल में ना जो बीमार लोग हैं उन लोगों का डोनेशन आता है, तो जितना भी पैसे बनता है इससे, कभी हर टाइम नहीं बनता गाइस ये मिर्ची, तो मेरे पॉकेट से भी देता हूँ, जो जितना भी मेरा सेल मैं सेल करता हूँ, ये मैं फोकट का नहीं देता हूँ, बहुत सारे मैं फोकट का भी दोस्त लोगों को देता हूँ, मगर जहाँ जितना भी जो लोग मेरे से ख़रीद के लेके जाते हैं ना ये चिल्ली, तो वो पैसे मैं डोनेशन में खर्च करता हूँ गाइस, मेरे लिए खर्च नहीं करता हूँ, मेरे फैमिली के लिए खर्च नहीं करता हूँ, वैसे तो मैं ये सब चीज़ें टाइम पास के लिए करता हूँ, मगर जो भी एक रुपये दो रुपये इनकम होता है मेरे इस चीज़ से, तो मैं वो सब चीज़ डोनेट करता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सॉरी गाइस अगर आप लोगों को बुरा लगा ये बात मैं रख रहा हूँ आप लोगों से, उसके फिर भी उसके लिए भी सॉरी।
थैंक यू सो मच। ये चेक करिए, अभी बहुत सारे, अभी हो गया 2-3 किलो के आसपास होने का है। थैंक यू दोस्तों। ये साइड देखो कितना सारा है डल्ले, तो ये पूरा डल्ले। ये साइड भी देखो, तो समय लगता है, चीज हर चीज होने में और करने में समय लगता है, वक्त लगता है गाइस। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा भगवान को, जो मेरा मेहनत रंग लाया है गाइस। तो इसके लिए मेरे को खाद खरीदना पड़ता है, फोकट का नहीं होता है ना, हर चीज़ में मेहनत करता हूँ और मेहनत में ऊपर वाले की कृपा से ये सब हो रहा है गाइस। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ अराउंड 10 kg समथिंग चिल्ली होगा इस बार। 10 किलो बोलेगा तो कितने सारे लोगों को मैं डोनेट कर पाऊँगा, मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूट से उन लोगों का लाइफ में अच्छा दिन आएगा गाइस। अगर मैं इधर के पैसे उधर कंपेयर करूँगा मेरे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है गाइस। अदर किसी बीमार आदमी को इधर का मैं 50 एकड़ करके भी दूंगा ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा है उधर। तो ये सब चीज़ के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में गाइस। दोस्तों आप लोग चेक करें, ये है माधोन। आपने पुराना वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो ये क्लब बोलते सब यहाँ भी बोलते इन लोकल लैंग्वेज में। तो अभी रुबेन इधर नहीं आता क्योंकि रुबेन को अब माधोन का जरूरत नहीं, रुबेन को सिर्फ मेरा ही जरूरत है। सो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो मेरा मेहनत आप लोगों ने देख लिया, ये मेहनत का जो फल मिलता है ना, उस फल को जब मैं बांटता हूँ छोटे छोटे टुकड़ा करके, जो खुशियाँ मिलती है ना मेरे को, क्या बताऊँ गाइस, जो पैसे से खरीद के नहीं मिलता। तो अभी मेरा फिर से ड्यूटी स्टार्ट रुबेन के साथ, और रुबेन को भी टाइम देना पड़ता है और मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ रुबेन के साथ। तो वाह बहुत बढ़िया वेदर देखने को मिल रहा है गाइस, और आप लोग भी इज़राइल या फिर कहीं बाहर भी हो तो आप लोग अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करने का तो कंट्रीब्यूट जरूर करें गाइस। कर्म लौट के आता है, मालूम है ना आप लोग, कर्मा जो है ना लौट के आता है। तो अगर हम लोग आज की तारीख पे थोड़ा बहुत भी डोनेट करेंगे ना, तो ऊपर वाले हमें उसका उसके बदले में हमें ऊपर वाले कुछ ना कुछ देगा। मगर वो सब चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले दे या ना दे, मैं अपना कर्म पे विश्वास रखता हूँ गाइस। और ये देखो वाओ ब्यूटीफुल नज़ारा, अब ये बादल जैसे हटेगा वहाँ से सीधा धूप, वाओ।